बच्चों की देखरेख करने वाली आया को माँ का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जबलपुर से 2 साल के मासूम से हैवानों जैसा सलूक किया गया। यहाँ जिस आया के भरोसे माता पिता अपने बच्चे को छोड़कर जाते, उसने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। बच्चे को भूखा रखा, भूख से बच्चा रोता तो पेट में घूसे और चाटे मारती, बाल पकड़कर खींच देती, गला पकड़कर पटक देती, वहीं नुकीली कंघी से भी पीटती। आया के जुल्म सहकर बच्चा बीमार पड़ गया। बाद में परिवार वालों ने जब सीसीटीवी देखा तो उनके होश उड़ गए। मामला जबलपुर के माड़ोताल थाना क्षेत्र के स्टार सिटी का है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। माड़ोताल थाना प्रभारी रीबना पांडे ने मामले में बताया कि बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार विश्वकर्मा ने सोमवार को उन्हें शिकायत दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जिला कोर्ट में नौकरी करती है, उनका 2 साल का बेटा मानविक है और पिता लकवाग्रस्त है, वहीं बहन मानसिक रोगी है, दोनों की देखभाल मुकेश की मां करती है। मुकेश ने बताया कि दिन में वो और पत्नी ऑफिस चले जाते हैं और ऐसे में बेटे मानवी की देखरेख के लिए 4 साल पहले चमन नगर की रहने वाली रजनी चौधरी को बतौर आया पे रख लिया था। पिछले 1 महीने से बेटा उदास रहने लगा था, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था, जहां वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मानवी की आंतों में इन्फेक्शन की बात कही, जिसकी वजह उन्होंने गुटखा, तंबाकू और जूठा भोजन खाना बताया। मुकेश के अनुसार पिछले 1 महीने से उनकी माँ, पिता और बहन को लेकर गोटे गांव चली गई थी। ऑफिस जाने के बाद बेटा आया के साथ ही रहता था। डॉक्टर के पास से उन्होंने लौटने पर सीसीटीवी फुटेज देखे, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए रजनी को गिरफ्तार कर लिया है।